हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए बेटा आपके लिए चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर इन एन फैक्टोरियल। तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसमें क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दिए हैं। आप खुद से उनको सॉल्व करो और अपने आंसर्स आप इसके साथ टैली कर सकते हो। ठीक है, तो एक ही टॉपिक के ऊपर अपने पास 55 क्वेश्चंस हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि कोई भी नंबर है उसका किसी दूसरे नंबर के फैक्टोरियल के अंदर उसका एक्सपोनेंट 5 फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स से पहले आप क्या करते हैं, एक पैटर्न में सॉल्व करते हैं बेटा। तो 100 फैक्टोरियल के अंदर पर 2 से लेके 50 तक सभी का एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे। तो उसका आंसर दिया हुआ है, अपने खुद से सॉल्व करना है, अपने आंसर्स इसके साथ आप टैली कर सकते हो। तो क्विकली आप आंसर्स देखते हैं सबके। तो 2 का एक्सपोनेंट आता है 97, 3 का एक्सपोनेंट आता है 48, 4 का एक्सपोनेंट अगेन 48, 5 का एक्सपोनेंट 24, 6 का एक्सपोनेंट 48, 7 का एक्सपोनेंट 16, 8 का एक्सपोनेंट है 32। तो ये सारे अपने 100 फैक्टोरियल में ही फाइंड किए हैं। ठीक है, 9 का एक्सपोनेंट है 24, 10 का एक्सपोनेंट है अगेन 24, 11 का एक्सपोनेंट 9, 12 का एक्सपोनेंट 48, 13 का एक्सपोनेंट है बेटा 7। एक्सपोनेंट मींस पावर। ठीक है, तो 14 का 16, 15 का है 24, 16 का अगेन 24, 17 का एक्सपोनेंट है 5। तो ये सारे क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो इससे आप ये भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि इनके अंदर कोई पैटर्न बनता है। तो जो पैटर्न बनता है तो आप उसको ऐसे रिजल्ट या शॉर्टकट से लिख सकते हो बेटा। ठीक है, तो 21 का एक्सपोनेंट है 16, 22 का 9, 23 का एक्सपोनेंट 4, 24 का 32, 25 का 12। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें नंबर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, बट एक्सपोनेंट कभी कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है। तो फाइंड करना है और इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है कि क्या पैटर्न इसके अंदर बन सकता है। ठीक है, अदरवाइज प्रॉपर मेथड से तो आप ये सारे फाइंड कर ही लोगे। तो अपनी एक ही कोशिश है कि चलो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो आप इस वीडियो के साथ अपने आंसर्स टैली कर सकते हो। है 34 का एक्सपोनेंट है 5, 35 का 16, 36 का एक्सपोनेंट 24, 37 का एक्सपोनेंट 2, 38 का 5, 39 का एक्सपोनेंट 7, 40 का एक्सपोनेंट 24, 41 का एक्सपोनेंट 2। इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे नंबर्स के एक्सपोनेंट सेम आ रहे हैं बेटा। ठीक है, उससे बहुत सारे पैटर्न्स बनेंगे। 45 का एक्सपोनेंट है अगेन 24, 46 का एक्सपोनेंट 4, 47 का एक्सपोनेंट 2, 48 का एक्सपोनेंट अगेन 24, 49 का 8, 50 का एक्सपोनेंट है 12। तो अब जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चंस दिए थे बेटा, उन सब के आंसर्स आपके पास डिस्प्ले में हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चन से कोई हेल्प मिली है टॉपिक समझने में तो आप ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।